हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। अभी मैं भोपाल आ चुका हूँ। मुझे आए हुए वैसे तो आज 15 दिन होने वाला है। काफ़ी दिनों से यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कॉलेज चल रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत अभी दिक्कत है। अभी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बिजी था, पर आज टाइम मिला है तो आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। आज हम लोग बेसिकली जाने वाले हैं जो इंडिया का प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, जो कि फ़िलहाल में ही अभी उसका ओपनिंग हुआ था। वैसे तो काम बहुत दिनों से वहाँ पे चल रहा था, लेकिन अभी 15 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो आए थे तो उनका और उद्घाटन हुआ है। तो आज हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। और पहले उस जगह का नाम हबीबगंज था, तो अभी उसको बदल के रानी कमलापति के नाम से उस स्टेशन को रखा गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो आज हम लोग जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे आप लोग को पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ कमलापति रेलवे स्टेशन को। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। तो अभी मैं अपने रूम पे ही हूँ और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से हमारी बस 3 बजे है, तो आपको आगे चल के बताता हूँ कैसा क्या रहता है। और आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग गाइस बाल देख रहे हैं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद छोटा करवा लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे बाल बहुत झड़ता है, तो इसलिए छोटा छोटा करवा लिया। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, फिर बढ़ जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेन रोड के पास, वहाँ से बस हमारी मिलेगी, 3 बजे के आसपास बस आएगी। तो बस से चलेंगे हम लोग कमलापति। अभी बच जाएगी क्या? अभी बच जाएगी? चेतक। मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ बस का, देखते हैं कब तक आती है। 3 तो बज रहा है, अब आनी ही चाहिए। उसके बाद से चलते हैं। उस जगह का नाम हबीबगंज है और रेलवे स्टेशन जो वहाँ पे बना है नया, उसका नाम रानी कमलापति है। तो अब हम लोग को हबीबगंज जाना है, तो वेट करते हैं बस का, फिर आएगा आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी बन जाएगी। रत्नागिरी जाइए मैडम, अभी हबीबगंज के लिए बस मिल गई है, यहाँ से निकलते हैं। स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। देखिए गाइस, बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अभी आपको पूरा अंदर का भी टूर देने वाला हूँ, तो आप लोग ब्लॉग पे प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा। पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ अंदर से आपको, किस कैसा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर चल के प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना है। पहले इस स्टेशन पर मैं एक बार आया था, तो अभी काफ़ी पहले, 2 साल पहले का बात है, तो अभी ये बन ही रहा था। तो अभी फाइनली फिर मैं आ गया, कंप्लीट हो गया सारा काम इसका और काफ़ी बेहतरीन है। अंदर से चल के आपको दिखाता हूँ मैं। सामने से टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले सकते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं। हमने ले लिया है प्लेटफॉर्म टिकट,
अब चलिए अब अंदर चल सकते हैं, अब कोई डर नहीं है। अभी यहाँ से फ़िलहाल आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन अभी का नज़ारा, और काफ़ी ऊंचा है गाइस, देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। और वहाँ लिविंग एरिया बना दिया गया है, वेटिंग एरिया बोल सकते हैं उसको। वेट करने के लिए आप ऊपर आराम से वेट करिए, अगर आपको 2-3 घंटा रुकना है तो आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर सारे शॉप्स हैं जहाँ आपको खाने पीने का कुछ भी खरीदना भी होगा वो सब आप लोग यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी हम चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, 5 पे लास्ट प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैं चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, उधर का भी आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद से देखते हैं आगे।